हरियाणा के भिवानी स्थित नेहरू पार्क में एक युवक के खोए पर्स को लौटाकर सीआईडी में कार्यरत हेड कांस्टेबल ने ईमानदारी का परिचय दिया है। आपको बता दें कि यह पर्स शनिवार की शाम को खोया था। हेड कांस्टेबल को जब यह पर्स मिला तो उसने पर्स मालिक तक पहुंचने के लिए काफी पूछताछ की। जब उसे पर्स मालिक तक का पता चला तो उसने पर्स को लौटा दिया। भवानी खेड़ा निवासी राकेश शर्मा ने बताया कि वह किसी काम से डाकघर में आए हुए थे और कुछ दस्तावेज काम के वास्ते अधूरे रह गए थे, तो वह सोच विचार करने के लिए नेहरू पार्क में बैठे थे। तब उनका पर्स गुम हो गया था, जिसमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस व जरूरी कागजात थे। पर्स मालिक राकेश ने कहा कि यह उनका सौभाग्य है कि यह पर्स किसी अन्य व्यक्ति के हाथ में ना लगकर बजरंग जैसे ईमानदार व्यक्ति के हाथ लगा, जिससे उनका पर्स उन्हें मिल गया है। पर्स मिलने पर पर्स मालिक ने हेड कांस्टेबल का आभार व्यक्त किया। वहीं सीआईडी में कार्यरत बजरंग ने बताया कि वह रूटीन में पार्क में घूमने फिरने के लिए आते हैं। इस दौरान उन्हें एक पर्स पार्क में मिला, जिसमें कुछ रुपए और जरूरी कागजात थे। काफी पूछताछ के बाद पर्स मालिक से संपर्क हो पाया था तथा आज उसे बुलाकर पर्स लुटाया गया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि किसी की जरूरी चीजें गुम हो गई हो तो उसे वापस करना मेरा ही नहीं बल्कि हम सबका कर्तव्य बनता है। सीआईडी में हो, ईमानदारी तो खैर आपके सुनने ही है, जब भी आपने ऐसा काम भी किया है, क्या कहेंगे इस घटना को लेकर? मैं तो अपने रूटीन से ही दिनचर्या हिसाब से रूटीन पालन करता हूँ। कल मैं दोपहर को आया तो एक ओपन जिम के पास टेबल के ऊपर ही मैच के ऊपर ही देखा पड़ा था पर्स। तो फिर मैंने अपने आस पड़ोस में पता किया, किसी ने नहीं किया, ये पर्स मेरा है। मैं पर्स को अपने जेब में डाल लिया, फिर मैं बाहर आया तो मैंने यहाँ डोसी पड़ोसी पूछा भाई किसी पर्स पूछने वाले आया था कोई, अजय आया था तो वहाँ से नंबर लेके किसी नंबर, ये अपना खुद अपना आई कार्ड देगा, कोई नंबर देगा फ़ोन नंबर, तो उसके नंबर में मैंने कॉन्टेक्ट किया। तो उन्हें कहा भैया आपका पर्स है मेरे पास, आप चिंता मत करना, इसके अंदर कुछ पैसे हैं और आपकी आइडिया हैं, चिंता मत करना वो मिल जाएंगे। फिर इसने कहा भाई जी वो मैं कल आऊँगा जी, मैं ठीक है मैं कल आ जाऊँगा। बजरंग जी क्या कहोगे वो लोगों के लिए भी जो लोग, हालांकि उनको भी काफ़ी बार पर्स मिलते भी हैं, पैसे निकाल लेते हैं वो लोग, आपने पैसे भी वापस दिए हैं, क्या कहोगे ऐसे लोगों के लिए? देखो जी मैं तो ये कहता हूँ सभी लोगों को ऐसा एक अपना परिचय देना चाहिए, और दूसरे बंदों के पैसे अपने क्या काम आएंगे, जब वो आप उसी तरफ से खोए गया पैसे ही खोगे फायदा भी खोगी, लेकिन उसके पैसे मेरे एक दो दिन काम आएंगे, फिर फायदा क्या उस चीज़ का? तो मैं तो ये कहता हूँ हर इंसान को ऐसा ही परिचय अपना देना चाहिए। भवानी खेड़ा राकेश जी, कैसे आपका पर्स गुम हुआ था, कैसे मिला? ये मैं डाकघर में आया था, यहाँ पे मेरा एक ऑनलाइन अकाउंट मैंने खोला था तो वो चल नहीं रहा, इसकी वजह से भी जानकारी वगैरह आप देने के लिए। फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर यहाँ पे काम तो हो नहीं पाया, तो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह ठीक करने के लिए यहाँ पे थोड़ी देर आराम करने के लिए पार्क में। हाँ तो उसी दौरान मेरा पर्स गिर गया होगा, फिर उसकी जानकारी मुझे बाहर जाने के बाद हुई, ऑटो के लिए बाहर निकला था तो पर्स देखा नहीं। क्या क्या था उस पर्स के अंदर? पर्स में मेरी आइडेंटिटी थी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई डी और ATM कार्ड थे 4-5। तो मैं तो आशा छोड़ दी थी कि पर्स मिल गया, फिर बजरंग जी का फ़ोन आया भाई साहब, कुछ पैसे भी थे उसमें 400-500। फिर इनका फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे है आपका पर्स मुझे मिला है तो आप ले लेना। फिर मैंने तो इनको कहा कि तो कल तो संडे है, लेकिन फिर भी इन्होंने बोला कि नहीं ठीक है, आप जब भी आओगे तो फ़ोन कर लेना। मैंने फ़ोन किया, एक आस जो आपने छोड़ दी थी उसके बाद आपको जो है पर्स मिला, कितनी खुशी है आपको? एक अभी भी ईमानदारी जो है वो ज़िंदा है, हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पैसे अगर रखते हैं जेब में डाल लेते हैं पर्स वापस कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, पर इनसे तो ये इनके हाथ में आया ये पहले तो बहुत ही वो खुशी की बात है मेरे लिए, और किसी के हाथ में आता तो शायद ऐसा नहीं होता। और फिर इन्होंने कॉल किया तो फिर मुझे काफ़ी खुशी हुई कि हाँ पर्स मैंने तो आज छोड़ ही दी थी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।